मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बुधवार को हुए थप्पड़ कांड के बाद माहौल गर्मा गया। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुवावत ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारी नागेंद्र को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद कर्मचारी आक्रोशित हो गए। इस दौरान प्रताप नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कुलदीप सिंह के साथ तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लगातार विवादों में रह रहे हैं। नवरात्रि में कुलदीप सिंह ने जबरन डांडिया कार्यक्रम में घुसकर माहौल खराब किया था और दो दिन पहले यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष विष्णु रेबारी का यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में शराब पार्टी का फोटो वायरल हुआ था, जिसकी खबर को उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। इस थप्पड़ कांड को लेकर जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी ने यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और एबीवीपी के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। थप्पड़ की बात आप कह रहे हैं, उसमें ये है कि पहले कुलदीप जी छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनके पास जो ई रिक्शा जो विश्वविद्यालय में चलना चाहिए उसको लेके काफी दिन से वो लग रहे हैं, तो उसको लेके कोई उसका भ्रष्टाचार का वो मामला उसका कुछ आया है ऐसा उनके सामने आया, ध्यान में आया, तो उससे मिलने गए थे, तो फिर कुछ बात को लेकर कुछ बात हुई है शायद अब थप्पड़ की है, तो मेरे को भी इसकी बार जानकारी अब मैं उनसे मिलूंगा उसके बाद ही कर पाऊंगा कि क्या हुआ था उस समय। इन कोई ना कोई ऐसी बातचीत भ्रष्टाचार का जो मामला है कि किसी व्यक्ति से पैसे लेकर और फिर उसके ई रिक्शा को चलाने को लेकर ऐसी कोई बातचीत हुई, उसको लेकर उससे मिलने गए थे जी, ये मामला है। दूसरा सवाल आपसे था ये सर, एबीवीपी संगठन अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है और अभी हमने कुछ दिन पूर्व हमने ही एक न्यूज प्रसारित करी थी जिसमें विष्णु रेबारी MLSU के जो उपाध्यक्ष हैं वो MLSU के गोल्डन जुबली गेस्ट हाउस में बैठ के एक शराब पार्टी आयोजित हो रही थी जिसमें उनका फोटो भी था और पीछे शराब की बोतलें भी चमक रही थी और उसके बाद आज ये थप्पड़ कांड हुआ है, तो इसमें संगठन अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करेगा? जो आपने जो वीडियो वाली बात की, विष्णु जी वाली बात की, उसमें एक चीज है कि कोई भी किसी भी लोकेशन पे है नहीं है उसकी पुष्टि तो आप सोशल मीडिया अकाउंट से हो नहीं सकती कि वास्तव में एक्चुअल लोकेशन क्या थी, और जहां तक है कि जो विष्णु जी थे उनके हाथ में कोई इस तरीके की शराब की कोई ऐसी कोई करते हुए पीते हुए ऐसा तो मुझे भी उस वीडियो में कहीं नजर नहीं आया, और बाकी अगर कोई अनुशासन की ऐसी बातचीत होती है जो भी कार्यकर्ता है कोई भी कार्यकर्ता हो चाहे तो उस कार्यकर्ता ने अगर कोई ऐसी गलती की है तो उसे बुलाकर उससे बातचीत करके जो भी अनुशासन रूप से जो भी कार्रवाई होगी विद्यार्थी परिषद अपने स्तर पर करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक भ्रष्टाचार का मामला होगा और इस तरीके की कोई भी बात होगी वो उसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा आगे रहेगा, लेकिन किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसकी पूरी पुष्टि उससे मिलने के बाद में बातचीत करने के बाद ही मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज बात है, मीडिया को भी मुझे लगता है कि जो छात्र संघ के लोग हैं वो काम कर रहे हैं उसको भी उसकी पॉजिटिविटी को भी मीडिया के सामने लाना चाहिए, और जो भी भ्रष्टाचार का मामला है उसको लेकर भी आपको भी एक पहल करनी चाहिए कि वास्तव में मामला क्या था क्या नहीं था। हमें तो पूरी ऐसी उम्मीद थी कि एबीवीपी का पूरा संगठन पूरा पैनल अब की बार अच्छे मतों से जीता था, एबीवीपी का पूरा पैनल कार्यरत है, पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में उनकी बनी नहीं रही है। नहीं नहीं ये सब भ्रामक बातें हैं, केवल एक मीडिया और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में विद्यार्थी परिषद के मैं समझता हूँ कि दूसरे शुभचिंतक हैं जो दूसरे एंगल से सोचते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कैसे अलग किया जाए। दोनों कार्यकर्ता एक हैं, कल भी हमारी बैठक थी, सब लोग साथ में हैं, सारी चीजों में बिल्कुल कार्यकर्ता एक साथ हैं, और बाकी ये जो बातें हैं केवल एक 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 वातावरण बनाने के लिए जो भी कर रहे हैं, और उसकी भी मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है इनके बीच में। देखें ऐसा है कि जब एक छात्र संघ अध्यक्ष की भूमिका में आ जाता है उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है, छात्रों का पीछे पूरा काफिला भी होता है और उस कार्यकाल के दौरान उसे काफ़ी जिम्मेदारियों से दौड़ना पड़ता है, पर मुझे ये लगता है कि छात्र संघ अध्यक्ष के नाते उसे ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हमें छात्र के लिए काम करना है, पर साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि जो संविदा कर्मी है या जो भी कर्मचारी है अपने यूनिवर्सिटी के सुखाड़िया विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय के लिए वो भी अपने परिवार का हिस्सा है। हम छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं छात्रों के लिए ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी में
किसी के लिए भी अनियमितता या किसी भी कर्मचारी के साथ भी कुछ होता है तो हम उसके लिए भी खड़े रहना चाहिए, पर हम जब उसी परिवार में अगर एक दूसरे से झगड़ने लग जाए तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। अगर इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि हाँ अगर कुछ बदसुलूकी हुई है या फिर ऐसा है तो संगठनात्मक तौर पे संगठनात्मक वैसे भी कार्रवाई करता है, और साथ में अगर इसका कुछ पुख्ता सबूत है तो यूनिवर्सिटी अपना ले सकती है, उसमें कदम उठा सकती है। देखो फ़र्क तो नहीं है मयूर जी, हम आपको बताता हूँ कि जैसे जिस दिन छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं उस दिन हम एक शपथ लेते हैं, उस शपथ में हम सुखाड़े विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय के लिए हम उसके लिए तत्पर खड़े रहने के लिए, उनके छात्र और उस परिवार में जितने भी लोग हैं उनके लिए खड़े रहने के लिए और उनके साथ देने के लिए हम शपथ लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम ABP जो गुरु पूर्णिमा भी मनाती है और हमें ये शिक्षा भी देती है कि सबसे बड़ा गुरु ही हमारे, एक माता पिता की बात हम मानते हैं तो गुरु, तो उसमें गुरु में ये नहीं है कि कोई प्रोफेसर डीन या वो ही आ जाए, साथ में जो कर्मचारी हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो इसलिए हम जो सीखा हमने उसी तरह अपना कार्यकाल पूरा निकाला है। जैसे छात्रों को साथ लेके चले वैसे जैसे कर्मचारियों को भी साथ लेके चले, हम चाहेंगे कि ऐसी घटना ना हो और आगे भी कभी ना हो, और ABP इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखेगी और इस पर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई करेगी। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से जो वृत्तांत सुनने में आया है, लेकिन यहाँ पर जाने आने के बाद पता चला है कि उस कर्मचारी ने शायद कुछ रिश्वत का ऐसा कुछ मामला था, अध्यक्ष वहाँ पर गया था, उनकी बेचपजी जरूर हुई थी, लेकिन थप्पड़ मारने के लिए एक पर्सन ने मना करा, भैया मैंने कोई सरपट नहीं मारी है, लेकिन वो शायद कुछ की उसका जो रोष निकालने के लिए उसने उस पर केस लगवाया कि मैंने थप्पड़ मारी है, तो बस इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, जो विवाद को मारने का विषय कुछ भी नहीं थप्पड़ मारने। आप ABP से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और प्रांत के महानगर मंत्री भी रहे, आप से एक प्रश्न जानना था कि ABP एक अनुशासनात्मक संगठन है और अभी हमने कुछ दिन पूर्व एक न्यूज़ देखी, हमारी न्यूज़ थी कि जिसके अंदर विष्णु जी रेबारी आपके जो उपाध्यक्ष हैं वो एक शराब का सेवन कर रहे थे यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के अंदर, और उसके बाद आज ये थप्पड़ वाला कांड हुआ, तो ABP संगठन इसमें क्या कार्रवाई करेगा? बता रहे मयूर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा संगठन अनुशासन रूप में जाना जाता है समाज के अंदर, कि अनुशासन रूप में ही चलता है, लेकिन जो विष्णु वाला जो विषय आया है उसके अंदर हम जांच कर रहे हैं अभी क्या होता है उसके अंदर, उसको बुलाया भी है कार्यालय, बातचीत चल रही है, अगर पाया जाएगा कि उसने ऐसे कृत्य किया है उसके बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो जानकारी मेरा आया था, हुआ ये था वहाँ कुलदीप गया था, किसी का टेंडर हुआ था, तो टेंडर पास करने के लिए वो संविदा कर्मचारी लगा हुआ है, उसने 10,000 रुपये की डिमांड करी, तो वो कुलदीप को ले गया छात्र संघ अध्यक्ष को, तो कुलदीप वहाँ जाता है उसे बात करता है, तू 10,000 रुपये किस चीज़ के मांग रहा है, और 2,500 पहले वो दे चुका था टेंडर वाला, तो उसने कुल बुलाया कि नहीं पैसे तो लगेंगे टेंडर कराना था, इस बात को लेके कुलदीप और उनमें बहस हुई, जबकि थप्पड़ मारने वाला विषय नहीं था, वो तो क्या है कि जब मामला निकल के आया कि ये पैसे मांग रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसने बोला उस चीज़ को कैसे मैं छुपाऊं, तो इसलिए उसने माहौल बनाया कि मुझे थप्पड़ मारा गया, मुझे थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ मारा गया तो कहाँ है वीडियो, CCTV लग रहा है, चेक कर रहे हैं, कोई थप्पड़ नहीं मारा गया, सिर्फ बहस हुई है, वो तो अपनी चीज़ें छुपाने के लिए वो कुलदीप के ऊपर माहौल बना रहा है कि भाई थप्पड़ मार दिया थप्पड़ मार दिया थप्पड़ मार दिया, बाकी थप्पड़ नहीं मारा, वो सिर्फ यही पूछ रहा था कि भाई तू किस चीज़ के लिए पैसे मांग रहा है, बिल पास करने के लिए किस हिसाब से पैसे मांग रहा है, तो ये बता, तो इस चीज़ में उन दोनों की बहस हुई है वहाँ। थप्पड़ आप कह रहे हैं कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा जिसका कोई CCTV फुटेज नहीं है, तो पुलिस उनको किस बिहाब पे उठा के ले गई? पुलिस सबको बात पर किसी से कोई बहस होती है तो शांति भंग में तो किसी को भी उठा लेती, जरूरत है ना शांति भंग में आरोप में उसको थप्पड़ी भी मारना पड़ता है, कभी कभी हुड़दंग भी हो जाता है, कभी माहौल भी खराब हो जाता है, कभी कभी चिल्ला चोट भी हो जाती है। पर आपकी जानकारी लिए बता दूं कि शांति भंग का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा तो राजकार्य बाधा का दर्ज हुआ। राजकार्य बाधा को मुकदमा दर्ज होगा तो निपटेंगे, उससे भी निपटेंगे जी, पुलिस जांच करेगी, जांच से अभी तक साबित नहीं हुआ है ना कि उसने थप्पड़ मारा है नहीं मारा, उसने उसकी रिपोर्ट दी मुझे थप्पड़ मारा, पुलिस जांच करेगी, जांच में आ जाएगा मारा या नहीं मारा। दूसरी बात ये बताएं कि ABP अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है संगठन, और पूरा पैनल आपका जीत के आया था, लोगों को काफी उम्मीद थी कि भाई इस बार बहुत अच्छा कार्य होगा, पर 2 दिन पूर्व आपके उपाध्यक्ष का एक फोटो वायरल होता है जिसमें वो अपने आप को MLSU के गोल्डन जुबली गेस्ट हाउस में बताते हैं और वहाँ शराब की पार्टी हो रही थी। आज MLSU के प्रेसिडेंट द्वारा एक थप्पड़ कांड होता है, इससे पूर्व में भी फिल्मी गाने की फुहड़ता का विरोध भी करा था, फिर भी इन्होंने अपने कार्यक्रम में फिल्मी गाने बजाए। एक्चुअली में वो हुआ ये था,
कि वहाँ कुछ एक सेकंड के लिए मेरे ख्याल से 10 या 15 सेकंड के लिए वो गाना लगा था, उसे स्टॉप करा दिया गया। कभी क्या होता है कि जैसे कोई डीजे प्ले कर रहा है और अध्यक्ष या उसकी पूरी टीम मैनेजमेंट में लगी हुई है, किसी के स्वागत में लगी हुई है, और एकदम से कोई आके उस डीजे वालों के अंदर मुझे ये गाना लगाना है, और वहाँ क्या माहौल ऐसा होता है कि उन्हें वो गाने बजाने पड़ते हैं। तो जैसे ही कुलदीप की नॉलेज में आया, उसने जाके मना करा कि रुक जाए, ये वाला गाना पर नहीं लगाना है। वो गाना भी मुश्किल से एक बार चला होगा, क्योंकि गलती एक बार की जाती है, दोबारा नहीं कहती, क्योंकि गलती एक बार दोबारा नहीं होगी। अगर दोबारा वो गाना चला होता तो आप मुझे बताएं कि दोबारा चलाए, देखिए वो सिंगल टाइम और सिंगल ही बंद होगा। चलिए अंतिम और आखिरी सवाल, अगर विष्णु रेबारी वाले पूरे घटनाक्रम को देखें और कुलदीप वाले घटनाक्रम को देखें, अगर कहीं दोषी पाए जाते हैं तो संगठन कोई कार्रवाई करेगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत ही साफ सुथरा संगठन है, अगर वहाँ कोई गलती करते हुए पाए जाएंगे, भले विष्णु हुआ या कुलदीप हुआ, उन पर संगठन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा जी।